हेलो दोस्तों, यह महिंद्रा की एल्टुरस G4 जो कि टक्कर देती है एंडेवर, फॉर्च्यूनर एंड MG ग्लॉस्टर को। एंड गाइस, सेगमेंट में काफ़ी सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करती है। एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता सबसे ज़्यादा अपने सेगमेंट में। एंड 360 कैमरे के साथ ही गाड़ी आती है, तो एक वॉक अराउंड आप लोग को देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, तो प्रेजेंट आप लोगों के लिए महिंद्रा की एल्टुरस G4 मॉन्स्टर SUV। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की से। ऐसी कुछ की मिलने वाली रिमोट की, इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है लॉक अनलॉक करने का। XUV3W की तरह आपको की मिल जाती है एंड इसमें फ्लिप की का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अभी जो कार की बैटरी उसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो ये की काम नहीं करेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट से, तो आपको ग्रिल दिखाता हूं। सबसे पहले फुली क्रोम ग्रिल मिलती है एंड इसका कुछ डिज़ाइन इस तरीके का मिलता है आपको, महिंद्रा स्टाइल। एंड बीच में मिल जाता है महिंद्रा का लोगो। तो काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रिल मिलती है। अब देख लेते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट को। तो ऐसी कुछ हेडलैम्प यूनिट आप लोग को मिलने वाली प्रोजेक्टर सेटअप के साथ। एंड ऊपर की तरफ आपको मिल जाते हैं DRLs। नीचे की तरफ आते तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरीके का फॉग लैम्प, जो कि आपको LED सेटअप के साथ मिलने वाला है। और नीचे आपको यहाँ पर भी क्रोम देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्रोम मिलेगा आपको। एंड आगे भी आपको मिल जाते हैं सेंसर्स, 4 सेंसर मिल जाएंगे आगे बम्पर में। एंड नीचे वाला पोर्शन आपको मिलता है ग्लॉस ब्लैक के साथ। एंड यह है गाड़ी की फ्रंट लुक। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यह है गाड़ी का साइड का प्रोफाइल। 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है, 4x4 ऑप्शन के साथ। अब बात करते हैं इसके टायर की अलॉय व्हील की। तो ऐसा कुछ आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है, बीच में महिंद्रा का लोगो। एंड हैंकूक का इसमें आपको मिलता है टायर, जिसका साइज़ मिलने वाला है यहाँ पर 18 इंचेस के आपको मिलते हैं इसमें अलॉय व्हील्स एंड टायर। ORBM पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर और ब्लैक ग्लॉस, जो कि बॉडी कलर के साथ ही आपको मिलता है ORBM। काफ़ी बड़े साइज का ORBM मिलता है। एंड नीचे की तरफ आपको मिल जाती है विंडो गार्निश क्रोम में, जो कि कवर करते हुए जाती है पूरे सी पिलर तक। और ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा राउंड होके वापस से ORBM तक आ जाती है। एंड ये इसका बॉडी कलर, डोर हैंडल एंड साथ में ऊपर की तरफ आपको क्रोम मिल जाता है कीलेस बटन के साथ। एंड नीचे आपको मिल जाता है फुट स्टेप। लेकिन जो थर्ड रो के लिए विंडो एरिया दिया है, काफ़ी छोटे साइज का दिया हुआ है। एंड SUV है, तो इसमें आपको रूफ रेल भी मिलते हैं, साथ में एंटीना मिल जाता है, साफिन एंटीना नहीं मिलेगा इसमें। अब चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो ये गाड़ी का रेयर से साइड का प्रोफाइल। टेल लैम्प की बात करते हैं, तो आपको LED टेल लैम्प मिलती है, साथ में इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है, बैकलाइट मिल जाती है, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सही लगते हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट मिल जाती है, रिफ्लेक्टर फॉग लाइट, और नीचे भी आपको क्रोम मिल जाता है बम्पर में। 4-व्हील ड्राइव की यहाँ पर बैचिंग मिल जाती है राइट हैंड की तरफ, और बीच में आपको एल्टुरस G4 की बैचिंग मिल जाती है बड़ी बड़ी, महिंद्रा का लोगो। एंड नीचे आपको क्रोम का ये स्ट्रिप दिख जाएगी, वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर वगैरह मिल जाता है, एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प, साथ में वॉशर। एंड ये वाला पार्ट इसमें बॉडी जो एसेसरीज होती है उसका पार्ट है। एंड 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाता है आपको। एंड गाइस, जो इसका बूट है अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है, मतलब इसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ भी आप लोग को दिखाता हूँ, अभी कोई भी इसमें वर्क नहीं हो रहा है इसके की से भी। एंड लॉन्ग प्रेस करने पर भी कोई भी इसमें लाइट वगैरह, मतलब इसे अनलॉक करने का कोई भी ऑप्शन अभी नहीं आ रहा। लेकिन इन गाड़ियों में जो बूट स्पेस होता है उतना ज़्यादा नहीं होता, जो लास्ट वाली सीट होती जब तक उनको फोल्ड ना करो तब तक इसमें बूट स्पेस नहीं मिल पाता। अब चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ। तो ये है ड्राइवर डोर, इसका आप लोग डोर पैनल देख सकते हैं, डुअल टोन मिलता है, और इसमें आपको लेदर फिनिश मिलती है सॉफ्ट टच के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड यहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पर मिलता है पियानो फिनिश। एंड ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडोज़ के, ORBM के। एंड यहीं से आप इसे लॉक भी कर पाएंगे। एंड इसमें आपको 4 जो विंडोज़ हैं ऑटो मिलती है, देख सकते हैं ऑटो अप एंड डाउन के साथ। एंड नीचे बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस मिल जाती है, स्पीकर की प्लेसमेंट, एंड ट्विटर मिल जाता है, और यहाँ पर मेमोरी फंक्शन मिल जाता है सीट के लिए, ड्राइवर सीट के लिए, जो अगर आप 3 बंदे हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं। क्रोम में डोर ओपनर। एंड ये स्टिच भी कलर मैचिंग के साथ करी हुई है, तो फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा सही है इस गाड़ी की। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। मैं आप लोगों को एक बार इसका इंटीरियर जरूर चेक कराता हूँ। तो ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है डुअल टोन में,
जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लगता है। अब ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो फुली ऑटोमेटिक ड्राइवर सीट आप लोग को मिल जाती है एंड वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है, देख सकते हैं लेदर फिनिश के साथ। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। लेदर रैप स्टीयरिंग मिलता है, महिंद्रा का लोगो, एयरबैग की बैचिंग, टोटल आपको 9 एयरबैग मिल जाते हैं। लेफ्ट की तरफ आपको मिल जाते हैं मीडिया के कंट्रोल, फ़ोन उठाने वगैरह के, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के, एंड राइट की तरफ आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स। इधर आपको पियानो फिनिश मिलती है एंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। लेफ्ट की तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है एंड अब चलते हैं राइट की तरफ। तो यहाँ पर आपको लाइट लेवलर का बटन मिल जाता है, हिल असिस्ट जो डाउन की तरफ आते हैं वो उसका बटन, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड यहाँ पर आपको 360 कैमरा एंड बूट खोलने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से ब्लोअर को कम ज़्यादा कर पाएंगे, AC वेंट। डैशबोर्ड की बात करते हैं, सॉफ्ट टच इसमें मिलता है डैशबोर्ड जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, एंड बीच में आपको सबवूफर मिल जाता है इसमें, एंड ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि मैं भी आप लोग को नहीं दिखा सकता। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC एंड ये इसका गेयर नॉब PR ND के साथ, और मैनुअल का भी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग बटन के साथ, एंड ऑटो होल्ड का भी यहाँ पर आप लोग को बटन मिल जाता है। फोर व्हील ड्राइव के साथ ही गाड़ी आती है, इसमें आपको 2 हाई, 4 हाई एंड 4 लो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलता है, जिसमें आपको एक में आपका डस्टबिन मिल जाता है, एंड यहाँ पर मिल जाता है एक बड़ा सा आर्मरेस्ट जिसके अंदर स्टोरेज मिलती है, आप लोग को दिखाता हूँ अभी। तो कुछ इतनी स्टोरेज आप लोग को मिल जाती है, काफ़ी जगह मिल जाती है इसमें, बट ये स्लाइडेबल नहीं मिलता। और यहाँ पर इस तरीके का आपको वुडन फिनिश मिलती है एंड यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिल जाती है, और इस तरीके से यहाँ पर आपका जो ये एंड इसकी ग्लोव बॉक्स को भी आप लॉक कर सकते हैं और इस बटन से आप इसे खोल सकते हैं। मैं आप लोग को एक दिखा देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके से आपको मैनुअली इसे खोलना पड़ेगा, यहाँ पर बटन दबा के आपका ये ग्लोव बॉक्स ओपन हो जाता है। अब चेक कर लेते हैं इसके सनसेट को। तो यहाँ पर ड्राइवर सनसेट पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, साथ में इसमें लाइट भी मिलती है यहाँ पर, एंड माइक मिल जाता है, इधर पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है ड्राइवर के लिए भी, बीच में सनग्लास होल्डर एंड सनरूफ खोलने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसी कुछ सनरूफ मिलती है, बीच में आपको लाइट मिल जाती है, एंड को ड्राइवर पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, साथ में इसमें लाइट भी मिलती है। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पर जल्दी से, ओपन कर लेते हैं डोर को। और ये है डोर का पैनल, डुअल टोन में मिलता है। अब मैं आप लोग को पीछे वाली सीट्स दिखा देता हूँ एक बार। तो ऐसी कुछ सीट्स मिलती है पीछे, एंड यहाँ पर भी आपको मिल जाता है रिक्लाइन करने का ऑप्शन, एंड इससे आप जो सीट है इसे फोल्ड करके पीछे वाली सीट पे जा सकते हैं लास्ट वाली रो पे। अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है गाड़ी, एंड इन सीट को भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड बीच में मिल जाता है एक आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आपको बीच में भी 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड ये है पीछे से डैशबोर्ड का लुक, काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस लगती है गाड़ी। एंड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है जब भी आप अंदर और बाहर उतरेंगे, और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, बीच में लाइट मिल जाती है, एंड बीच में AC वेंट मिलते हैं डुअल, एंड यहाँ पर USB का पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड पीछे आपको पॉकेट मिल जाती है ड्राइवर सीट के। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर, यहाँ पर भी आप लोग को दिखाया था, यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है रिफ्लेक्टर लाइट। एंड लास्ट वाले रूम में जाने के लिए आपको इस सीट को फोल्ड करना पड़ेगा, अभी आप लोग को एक बार करके दिखाया था। एंड गाइस इसका जो इसको सीट को आगे करने का मतलब पीछे जाने का जो तरीका है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसको आप खींचेंगे और इस तरीके से सीट आपकी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, बाकी आपको करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपकी जगह इसको के आपको यहाँ से जगह मिल जाएगी और आप यहाँ से अंदर ईजिली जा सकते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ जाके, लेकिन जो ये वाली सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको दिख रहा होगा फ्लोर, तो यहीं पर इसका फ्लोर है, और पीछे बैठते हैं तो यहाँ मेरा पैर अटक रहा है,
तो मेरे हिसाब से ये वाली जो सीट्स हैं बच्चों के लिए ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लाइट वगैरह मिल जाती है, और इधर पे एयरबैग भी आपको मिल जाते हैं पीछे। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी आप मैगजीन वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी इधर पे भी आपको एसी का कंट्रोल मिल जाता है, इधर दिख रहा होगा आपको ये है एसी वेंट, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का एक सॉकेट। सीट बेल्ट भी आपको पीछे की तरफ मिल जाती है, ये आपको मिल जाता है यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बाकी ये इनको आगे करके इसका जो बूट स्पेस है उसे आप बढ़ा सकते हैं, चलते हैं बाहर। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है अंदर और बाहर जाने में, छोड़ दे हमको इस तरीके से आप इसे वापस से फोल्ड कर देंगे। अब मैं आप लोगों को इसका इंजन चेक कराता हूँ। तो ये है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जिससे आपको 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है इंसुलेशन अच्छी खासी, और ऐसा कुछ इंजन आपको मिलता है तो काफ़ी पावरफुल BS6 इंजन इसमें मिलता है। हाइड्रोलिक का ऑप्शन इसमें मिलता है, अब इसे बंद कर लेते हैं। तो गाइज ये था महिंद्रा एल्टुरस G4 का वॉक अराउंड रिव्यू, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।